मुद्रा भी ऐड कर दे, ठीक है, तो बहुत उसका और अधिक लाभ आपको मिल जाएगा। तो क्या कैसे करना, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग सब करेंगे। क्रिया वही है और हम सब जानते हैं, या जो ब्रह्म कम से कम जो ब्रह्म मुद्रा किए हुए हैं या ब्रह्म मुद्रा के बारे में जानते हैं उनको ये ज्ञात है कि जब हम गर्दन दाहिनी ओर लेके जाते हैं तो क्या होता है, बाई नासिका बंद हो जाती है, कम से कम ब्लॉक हो जाती है, 80% ब्लॉकेज बाई नासिका का होता है। तो दाहिनी तरफ गर्दन लेके गए तो सिर्फ दाहिनी नासिका शुरू रहेगी, और फिर बाई तरफ लेके गए तो बाई नासिका चालू होगी, दाहिनी नासिका बंद हो जाएगी, करेक्ट। यह टेक्निक का तो इसका मतलब क्या है, हमको वी डोंट हैव टू यूज द फिंगर, राइट, अंगुलियों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। तो मैं एक बार करके दिखाता हूं और आप देखिए इसको, गर्दन राइट में, गर्दन दाहिनी ओर, एक दो तीन चार पांच, जितना हो सके उतना ले जाइए। फिर क्या करना, थोड़ा सा बायां कंधा का है जो ना, राइट शोल्डर को थोड़ा सा टाइट करके रखो, ठीक है। तो जैसे ना अपने लॉक करते हैं, फिर से एक बार खींच करके चेक कर लेते हैं कि भैया बराबर लॉकिंग हुआ कि नहीं हुआ, ओके। सो गर्दन दाहिनी ओर और बायां कंधा टाइट। अभी आपको क्या करना, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अब कौन सी नासिका चलेगी, सिर्फ राइट चलेगी, लेफ्ट ऑलरेडी ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है, ओके। कम से कम 80% तो बंद ही हो गई है और आपके हाथ खुले हैं, या यू डोंट हैव टू यूज योर फिंगर्स योर हैंड। चलिए इसका अनुभव कीजिए, देखिए श्वास लीजिए छोड़िए हल्का हल्का, चलिए हमने कुछ समय के लिए किया, काउंट छोड़ दीजिए, गिनती में मत उलझिए, डोंट गेट यू नो कॉट इनटू द नंबर गेम। गर्दन बाई ओर अब ले जाते हैं, पहले राइट में लेके गए, अब लेफ्ट में लेके जाएं। तो क्या करना, जब गर्दन लेफ्ट में तो दाहिने कंधे को यूज योर राइट शोल्डर एंड टाइटन योर राइट शोल्डर। तो क्या होगा, अभी बाई नासिका चलेगी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गर्दन आपका दाहिना कंधा ढीला कर दीजिए, गर्दन सीधा लेके आ जाए, राइट में लेफ्ट में किया, ठीक है। अब जालंधर बंद लगाते हैं, राइट, सबको मालूम है जालंधर बंद कैसे लगाना, घुटनों के ऊपर हाथ रखिए, पीठ को ऊपर उठाइए, ठुड्डी चिन की ओर, गेट द चिन इनटू योर थ्रोट पिट, राइट, जितना हो सके, बहुत ज्यादा कोशिश मत कीजिए, बहुत ज्यादा प्रयास मत कीजिए, यथाशक्ति जितना हो के गर्दन को अपने चिन को गले में लगाइए। और क्या करना, अभी राइट में लेके गए राइट चल रही थी, लेफ्ट में लेके गए लेफ्ट चल रही थी, अब जालंधर तो क्या होगा, ये मार्ग दोनों नासिकाओं से श्वास प्रश्वास हो जाए, राइट। चलो इसका अनुभव करते हैं, श्वास प्रश्वास दोनों नासिकाओं से, राइट, जालंधर बंध में। कंधे ढीले छोड़िए, चिन ऊपर उठाइए और रिलैक्स कर जाइए, राइट लेफ्ट और दोनों मार्ग को। और एक बार लास्ट वो है गर्दन ऊपर उठाना, अपना पूरा थायराइड, अपना पूरा
पूरी माँ, पूरी जो वहाँ ट्रेकिया है, राइट, पूरा मसल्स है यहाँ के, राइट, कॉलर बोन से लेके अपने, ये क्या है, गर्दन क्या है, ये हमारा पुलिया है, दिस अ ब्रिज बिटवीन द हेड, मस्तिष्क और शरीर को जोड़ने वाला पुलिया, जैसे नवी मुंबई का ब्रिज है, राइट, वो ब्रिज जाम हो गया तो कैसे हो जाता है, क्या हालत होती है, एक एक घंटा लग जाता है आने में जाने में, तो वैसा अपना ये चक्र, या हमको सबको मालूम है ये विशुद्धि चक्र भी है। और थायराइड की समस्या सभी को होती है, बहुत सारे लोगों को, पेशेंट्स को, लोगों को, योगा टीचर्स है मैं, आपके पास भी लोग आते होंगे जिनका बहुत सारा ये होता है। सो गर्दन ऊपर और श्वास प्रश्वास दोनों नासिकाओं से शुरू करिए। कंधे ढीले, गर्दन सीधी, रिलैक्स हो जाइए। ब्रह्म मुद्रा, दायना बाया, जालंधर बंद और ऊपर, राइट, चारों इसमें, इसमें और एक्चुअली 12 प्रकार है उसमें, तो हम लोग सारे नहीं ले पाएंगे। चले, तो क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ, क्यों 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 किया? देखो, भस्त्रिका जब करते हैं, हम फास्ट जब करेंगे, हर कोई नहीं करता, हाइपरटेंशन वाले, ब्लड प्रेशर वाले नहीं कर सकते, तो कर सकते, ठीक है। सो संजीवनी प्राणायाम पिताजी ने जो इसको बनाया, क्योंकि उनको जनार्दन स्वामी जी के साथ थे, उन्होंने उनके साथ 30 years he had a connect with him, so जो भी सीखा हमने, तो उनको क्या ध्यान में आया कि ये जो पद्धतियां हठ योग की पद्धतियां हैं, या वो गलत नहीं है, दे आर ऑल राइट, बट वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए बोलो, या जिनको स्पेशली व्याधियां हैं, राइट, उनके लिए इतनी वो कर नहीं पाएंगे, तो उसको थोड़ा सा सरल बनाया, थोड़ा सा आसान बनाया, और जो भी उनका अनुभव था उनके साथ उन्होंने ये किया, और पिछले सालों मतलब अनेक उनके पास 30-35 साल का अनुभव है, मुझे 8-10 साल का सिखाने का अनुभव है। मैंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट जिनको डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, ब्लड प्रेशर था, उनको इस बात का, थायराइड स्पेशली, ब्रह्म मुद्रा जो हमने अभी की, उसका बहुत बहुत लाभ हुआ, राइट। जगदीश जी, आपने यू गेव दिस प्लेटफॉर्म, और हम समय के में रहेंगे।